Hello dear students, myself Vyas Bumika. Today I will teach you standard 4th maths, chapter 10, play with patterns, part 5. Before going to start part 5, in previous video we were watched about more secret messages. So now let's start part number 5. Given in your textbook page number 117. So, for this, open your textbook page number 117, take a pencil and draw some drawing in that page. Let's see some more activities. Again, listen it carefully. Open your page number 117.

सीधी खड़ी है और दूसरी पिक्चर में मतलब राइट साइड में अनीसा हेड के ऊपर खड़ी है चलो देखते हैं कि वो ही पेज में नीचे क्या दिया हुआ है नाउ अनिशा इज प्लेइंग विद कार्ड ड्रो वॉट इट विल लुक लाइक वेन अपसाइड डाउन अनीसा अभी ये कार्ड के साथ खेल रही है हमें इसको अपसाइड डाउन कैसे होगा वो ड्रॉ करके दूसरी साइड में बताना है तो आप देख सकते हो कि ये जो कार्ड है वो अभी सीधा ऐसे लग रहा है अभी उसका हमें उल्टा करना है तो देखते हैं कि वो कैसे दिखाई देता है चलो मैं आपको बताती हूं फिर से आप एक बार देख लो कि जो लेफ्ट साइड वाला है वो सीधा है अभी राइट साइड में हमें उसका उल्टा करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने उल्टा कार्ड ड्रॉ किया हुआ है तो ये जो मिडल वाली पैटर्न है सिर्फ उसको हमें उल्टा करना है तो वो खुद में खुद डाउन साइड वाला कार्ड हो जाएगा ओके सी अदर एक्टिविटी वो पेज पे दूसरी एक एक्टिविटी है जिसका नाम है फ्लोर पैटर्न्स तो आपके घर में और बाकी सब अलग अलग पर्सन के घर में अलग अलग फ्लोर पैटर्न्स हम देखते हैं क्या आपने ऐसे शेप में पे देखी है? देखो कैसे है दो अलग अलग पैटर्न दिस डिजाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विद टाइल्स दैट फिट इन टू इच अदर विदाउट एनी ये जो डिजाइन है वो फ्लोर को पूरी तरह से फिट कर देती है एक दूसरे के साथ इसीलिए उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है अगर आपके घर पे भी बाहर आंगन में या तो घर में कहीं पे भी टाइल्स है तो आप देखना कि दोनों के बीच में गैप नहीं होता है वो एकदम एक दूसरे में फिक्स हो जाती है ओके नाउ टर्न योर पेज पेज नंबर वन हंड्रेड एन यहाँ पे हमें फ्लोर को ये जो टाइल की पैटर्न दी गई है उसे कवर करना है तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे करना है तो जो पहली लाइन है उसमें तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है दूसरी लाइन में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है ओके सो लेट सी पहले दूसरी लाइन के डॉट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन कर दोगे मतलब एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ कर दोगे उसके बाद जो फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हो रही है उसका डॉट और सेकंड पैटर्न का डॉट उस दोनों डॉट में से जो ऊपर वाली डॉट है उसके ऊपर पेंसिल रख के एक स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। आप देख सकते हो कि जो मैंने ये की हुई है, अभी उसके बाद ऐसी ही दूसरी स्लेंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? चलो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए आप सेकेंड लाइन का जो डॉट है, उसके ऊपर से पेंसिल लेके हमने जो सेकेंड लाइन में स्लैंडिंग लाइन की थी ऊपर से उसके साथ मैच कर दोगे आप देख सकते हो कि मैंने उसको मैच कर दिया मतलब मर्ज कर दिया तो वो एक पैटर्न बन गई तो आप भी ऐसे अलग अलग लाइन ड्रॉ करके पैटर्न बना देना तो ये हो जाएगी आपकी फ्लोर विद द टाइल्स पैटर्न ओके सो लेट सी नेक्स्ट पैटर्न कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिजाइन विथ अ टाइल लाइक अ सर्कल क्या आप ऐसी टाइल के फ्लोर डिज़ाइन सर्कल में बना सकते हो या तो सर्कल जैसी बना सकते हो चलो देखते हैं कि नीचे हमें सर्कल की मदद से कैसे टाइल बनानी है ट्राई विथ दिस ग्रीन टाइल विदाउट लिविंग अ गैप मतलब ये जो ग्रीन सर्कल वाली टाइल है उसको गैप छोड़े बगैर हमें बनानी है कुड यू डू इट क्या आप बना सकते हो डिथ योर फ्रेंड्स ये गिवर्स डिस्कस विथ फ्रेंड्स बट बिकॉज ऑफ कोरोना यू मे डिस्कस इट विथ योर parents okay so let's see the pattern in first line i drew a pattern of tile let's see in a next line you can see here i drew one fourth part of a circle you also draw this one fourth part of a circle in your textbook. After this, I drew another part of the circle. So it is become half. You can see here in this picture, I drew half part of the circle. You can also draw it in your textbook. Afterwards, you can see here, I drew the third part of the circle you can also draw it in your textbook let's see after third part of the circle i drew the last part of the circle so it is become whole circle yes very good so you can also Draw like this in your textbook. Let's see next. Complete this styling pattern. In this pattern you can see here a pattern of stars. Yes? So we have to complete it through draw the small line. So, you can see here in a first line I drew whole pattern. So, now you can think it how it can be possible to draw it. So, let's see how it can be possible. In this pattern, they give us in a second line one fourth part of a star so for that you can see here i drew slipping line and slanting line afterwards it become perfect star in a second line i drew the third star so here i am also drew standing and slipping line to complete the star so you can also look it and try to draw this pattern in your textbook okay and it's your homework to complete it now let's see page number 100 राम हैज मेड अ वॉल विध हिज ब्लॉक राम ने ब्लॉक्स की मदद से एक वॉल बनाई है क्या आप उसके लिए कर सकते हो? तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, है ना आप देख सकते हो ना फर्स्ट लाइन में भी है सेकेंड में भी है थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है तो थर्ड लाइन में जो बॉक्सेस है उसमें आप देख सकते हो कि एक पैटर्न है उसको हमें रिपीट करना है पहले में ऑरेंज कलर है दूसरे बॉक्स में स्लेंटिंग लाइन है और तीसरे बॉक्स में कलर करके डॉट किया हुआ है वैसे ही आपको भी उसको आगे बढ़ाना है फिर जो सेकेंड बॉक्सेस वाली लाइन है उसमें उन्होंने पहले स्लेंटिंग लाइन की है फिर डॉट वाला किया है फिर ऑरेंज कलर किया है तो आपको भी उसको आगे बढ़ाना है ओके okay, ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ बॉक्सेस में भी करोगे मतलब इट्स योर होमवर्क सी नेक्स्ट एक्टिविटी रेनू बिगेन टू पेंट दिस वॉल रेनू ने ये वॉल को पेंट करना स्टार्ट कर दिया है नाउ यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट अभी आपको उसको हेल्प करनी है कंप्लीट करने के लिए so are you ready student to help her yes very good so here in a first line first pattern see paint half part of this pattern means in a first line in a half pattern first three paint green color in other half part see feel येलो कलर आफ्टर दिस इन अ फर्स्ट लाइन इन अ सेकेंड पैटर्न इन अ हाफ पार्ट फर्स्ट ही पेंट येलो कलर एंड आफ्टर इन अ हाफ पार्ट सी पेंट रेड कलर ओके आफ्टर दिस अगेन सी इज रिपीटिंग द कलर पैटर्न और नीचे भी आपको ऐसे ही वो जो कलर पैटर्न है उसको रिपीट करते जाना है ओके तो आपको मैं एक और बात बता दूँ कि आपको पेज नंबर वन हंड्रेड एटीन और नाइनटीन में जो पैटर्न्स दी हुई है उसको होमवर्क में कंप्लीट करना है और अगर आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प लेनी है तो भी आप उनकी हेल्प लेके ये कंप्लीट कर सकते हो Okay, I hope you all understood this part 5 very well. Thank you.